हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी इस सेशन में जो कि डेली 3 PM पर स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, 3 PM पर ये सेशन जो है डेली स्टार्ट होता है और MCQs मध्य प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एमपी जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा, मोस्ट वेलकम रहेंगे आप सभी 3 PM से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सभी प्रकार के लिंक्स क्लासेस की आपको टेलीग्राम के चैनल पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होंगी। साथ ही साथ आप सभी को के लिए एक बेहतर दिशा में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप एक्सपीरियंस यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आपके गूगल प्ले स्टोर, मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट कर लेंगे एमपीपीएससी एंड व्यापम। मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका कॉमन गोल होगा एमपीपीएससी एंड व्यापम। एक सिंगल ध्यान रखिएगा, एक सिंगल गोल के माध्यम से मध्य प्रदेश में होने वाले समस्त एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी एजुकेटर की फ्री क्लासेस इस कोड का इस्तेमाल करके अनलॉक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोड है PANDEY, इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। मेरी या अन्य एजुकेटर की मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, वहां पर सर्च करें नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होते ही आप फॉलो कर लें और साथ ही साथ लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों देख सकते हैं। लाइव क्लास शाम को 5 बजे से डेली एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट डेली शाम को 5 बजे से होता है और ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो जरूर ज्वाइन करें शाम को 5 बजे से डेली, एक्सपीरियंस लीजिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। और ये ध्यान रखा, कोड आपका फ्री क्लास को ओपन करने के लिए कोड है पांडे, PANDEY टाइप करना होगा आपको। साथ ही साथ मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस संपूर्ण मध्य प्रदेश का जीके, मध्य प्रदेश का इतिहास फ्री क्लास के रूप में अवेलेबल है मेरी प्रोफाइल पर, तो जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस, जहां पर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अलग अलग बैचेज आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ये सभी बैचेज मात्र एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। MPSI, MP कांस्टेबल, MPPSC प्री, MPPSC मेंस, फॉरेस्ट सर्विस, PDF नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको मात्र एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन और साथ ही साथ अप्रैल मंथ में जितने भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं आप देख सकते हैं, हर हफ्ते एक नया बैच लॉन्च होता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कंप्लीट बैच 7 अप्रैल मींस आज से एमपीपीएससी हिंदी मीडियम का और कल से एमपीपीएससी इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है। एमपीएसआई का बैच, एमपी कांस्टेबल का बैच आप देख सकते हैं, कंप्लीट पूरी लिस्ट आपके सामने है। हर हफ्ते, हर महीने जो बैचेज हैं ये इस प्रकार से लॉन्च होते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, ये सब्सक्रिप्शन यदि आपने नहीं लिया है बैचेज ज्वाइन करने के लिए, तो पहले तो सबसे पहले गोल अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए एमपीपीएससी व्यापम अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। इसके बाद इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाएंगे ऐप के, आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कोड याद रखिएगा, ये कोड टाइप करें और टाइप करने के बाद अप्लाई करें, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोड का यूज करते हैं तो 8800 रुपीज का जो पेमेंट है 12 मंथ्स का, वो मात्र आपका 7920 रुपए हो जाएगा। तो 7920 रुपए में साल भर अनलिमिटेड वे में आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी एजुकेटर के प्लस कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्लस कोर्सेज मेरी प्रोफाइल पर नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप जरूर इनका फायदा उठाएं। तो स्वागत है सभी का, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये 11 AM से संपूर्ण जीके का सभी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू और 3 PM से संपूर्ण मध्य प्रदेश का एमसीक्यू सेशन रहता है, तो आप सभी लोग डेली ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को। गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार, मोस्ट वेलकम है। 8:30 बजे वाली क्लास हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल हुई थी जीत पिप्पल जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है।
चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, मालवा के पठार की औसत ऊंचाई आपको बताना है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई, चलिए बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका, सॉरी, सॉरी आंसर होगा इसका बी, दैट इज 500 मीटर। आंसर इसका बी, 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। तो आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा इसका डी, उमा भारती थी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांडा शब्द किस जनजाति से संबंधित है? टांडा इज रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? टांडा इज रिलेटेड विद, टांडा शब्द का संबंध किस जनजाति से? जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। चलिए बिल्कुल सही, बंजारा जनजाति के निवास स्थान को टांडा कहा जाता है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस किले को कहा जाता है? विच फोर्ट इज कॉल्ड एज जिब्राल्टर ऑफ इंडिया? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस किले को कहा जाता है? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। आंसर होगा इसका ए, ग्वालियर का किला। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका ए, ग्वालियर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला आपको बताना है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट प्रतिशतता, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। चलिए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका डी, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा उज्जैन और ओवरऑल जो है इंदौर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, अमित जायसवाल जी किसमें ऑप्शनल है? आंसर होगा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, पहले आंसर है इसका डी है, ऑप्शन, सॉरी, इसका आंसर जो है डी है, दैट मींस कैलाश चंद्र जोशी। आंसर जो होगा इसका कैलाश चंद्र जोशी है, दैट मींस कैलाश जोशी, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा देवी की प्रतिमा किस किले में अवस्थित है? स्टेच्यू ऑफ आशा देवी इज सिचुएटेड इन विच फोर्ट? आशा देवी की प्रतिमा किस किले में है? बिल्कुल अमित जायसवाल जी, थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे 11 तारीख से। आंसर जो होगा इसका आशा देवी की प्रतिमा, आंसर इसका डी, दैट इज असीरगढ़ फोर्ट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति को भारत सरकार की विशेष पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है? Which among the following tribe has not been recognized as the special backward primitive tribe? इनमें से किस जनजाति को भारत सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं है? आंसर है इसका, आंसर है इसका बी, सॉरी, आंसर है इसका बी, दैट इज भील जनजाति। बैगा सहारिया और भारिया, बैगा सहारिया और भारिया ये पिछड़ी जनजातियों में इसको, इनको दर्जा प्राप्त है, भील जनजाति आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहां अवस्थित है? टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस का मकबरा आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। आंसर है इसका बिल्कुल सही, ग्वालियर में अवस्थित है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक, शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, चलिए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए, मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर राज्यपाल पट्टाभि सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहां लगता है? लार्जेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड इन, लार्जेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड इन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहां लगता है? ये भी आंसर होगा इसका ग्वालियर में। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा जलप्रपात किस जिले में है? गाथा वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? गाथा जलप्रपात आपको बताना है किस जिले में है। ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर, और इसका जो आंसर होगा गाथा जलप्रपात का आंसर बताएंगे, आंसर इसका सी, आंसर इसका सी, पन्ना जिले में है गाथा जलप्रपात। बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर होगा इसका सी, सही आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है, पन्ना जिले में है गाथा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पागिरी धार्मिक स्थल कहां पर अवस्थित है? पुष्पागिरी रिलीजियस साइट, पुष्पागिरी पुष्पागिरी धार्मिक स्थल किस जिले में अवस्थित है? दतिया, देवास, दमोह या उज्जैन? आंसर होगा इसका बी, देवास जिले में है। पुष्पागिरी कहां पर है? देवास जिले में। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधायिका किस प्रकार की विधायिका है? द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इज, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, बहुसदनात्मक या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए, यूनिकैमरल, दैट मींस एक सदनात्मक सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिका जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भाग में रहती है? पनिका ट्राइब मेनली रिसाइड्स इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? पनिका जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भाग में रहती है? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी या डी उत्तरी? आंसर होगा इसका पूर्वी भाग में। आंसर इसका पूर्वी भाग में, बिल्कुल सही, सीधी शहडोल जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन गंगा नदी का उद्गम किस जिले में अवस्थित है? वेन गंगा नदी आपको बतानी है किस जिले से निकलती है, ओरिजिनेट होती है? छिंदवाड़ा से, बालाघाट से, सिवनी से या बैतूल से? कोई बात नहीं निकिता आर्य जी, सही भी होने लगेंगे। आंसर होगा इसका सी, दैट इज सिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ई मेला कहां पर आयोजित होता है? मड़ई मेला आपको बताना है कहां आयोजित होता है। चलिए गुड, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका डिंडोरी। हालांकि मेनली मंडला का क्षेत्र है, मेनली मंडला का क्षेत्र है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? मॉनसून सीजन इन मध्य प्रदेश इज नोन एज, मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु होती है उसको क्या कहा जाता है? रजत वैष्णो जी के आज सब सही जा रहे हैं, चलिए गुड। आंसर होगा इसका,
इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक दिन सबके सही 100% होने लगेंगे। आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है, उनाला ग्रीष्म ऋतु को, सियाला शीत ऋतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां पर अवस्थित है? लार्जेस्ट शिवलिंग ऑफ द वर्ल्ड इज इन आंसर जो होगा इसका आंसर है इसका सी, रायसेन जिले में। दैट मीन्स ये किसकी बात हो रही है? भोजपुर की बात हो रही है, भोजेश्वर मंदिर की। रायसेन जिले में है भोजपुर मंदिर। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपको बताना है, द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए गुड, आंसर होगा विष्णु विनायक सरमटे। आंसर इसका बी। विरोधी दल के नेता नहीं पूछा गया है, उपाध्यक्ष पूछा गया है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? कोरकू ट्राइब रिसाइड्स मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? गुड, आंसर होगा इसका डी, प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति होशंगाबाद जिले में निवास करती है। आंसर हो इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबा और दीदी किस नदी के अन्य नाम है? बेबा एंड दीदी इज द अदर नेम्स ऑफ विच रिवर? बेबा और दीदी किस अन्य नदी को कहा जाता है? ताप्ती, तवा, पेंच या वैनगंगा? बेबा एंड दीदी, आंसर होगा इसका वैनगंगा। वैनगंगा को बेबा और दीदी के नाम से भी जाना जाता था। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांधाता मेला किस जिले में आयोजित होता है? मांधाता फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ए बड़वानी, बी छिंदवाड़ा, सी गुना या डी खंडवा? मांधाता मेला कहां आयोजित होता है? ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका आंसर है इसका डी, बिल्कुल सही। 23rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मांधाता मेला पूछा गया, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? Which type of climate is found in Malwa Plateau? मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए महाद्वीपी, बी सम जलवायु, सी मानसून या डी इनमें से कोई नहीं? मालवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से जलवायु पाई जाती है सम जलवायु, दैट मीन्स इक्वेबल क्लाइमेट। आंसर होगा इसका बी, इक्वेबल क्लाइमेट। 24th क्वेश्चन का आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरोती पर्व किस अंचल में मनाया जाता है? आपको बताना है, जिरोती फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? जिरोती पर्व किस अंचल में मनाया जाता है? आंसर है इसका सी, बिल्कुल सही है, निमाड़ अंचल में। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? द फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वाज, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, पहले कार्यवाहक पूछा गया है, पहले राज्यपाल नहीं पूछा गया। आंसर होगा इसका पीबी दीक्षित, बिल्कुल सही है। आंसर होगा इसका सी, पीबी दीक्षित। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीबी दीक्षित पहले कार्यवाहक राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई का साधन कौन सा है?
लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश इज, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, गुड आंसर होगा इसका, ये तो किसी का गलत नहीं होगा शायद, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जनसंख्या, बिल्कुल सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा, इनमें से बताना है आपको, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट, वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से कौन, इन चार नामों में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा आपको बताना है, आंसर है इसका पट्टाभि सीतारमैया, पट्टाभि सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे थे, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन बैंबू प्रोडक्शन, बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, थर्टीएथ क्वेश्चन का आंसर देंगे, आंसर है इसका, आंसर कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, आंसर है सेकेंड प्लेस है अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरनोती किस भाषा की जनजाति है, किस जनजाति की भाषा है, भरनोती इज अ लैंग्वेज ऑफ, भरनोती किस पर्टिकुलर जनजाति की डायलेक्ट है, आंसर होगा इसका भारिया जनजाति की, बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका बी भारिया जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, आंसर है इसका छह, एसटी के लिए छह सीटें और एससी के लिए चार सीटें, आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल जनजाति का उल्लेख कहां किया गया है, कोल ट्राइब हैज बीन मेंशनड इन, कोल जनजाति का उल्लेख आपको बताना है कहां किया गया, ऋग्वेद में, मत्स्य पुराण में, महाभारत में या उपरोक्त सभी, आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मैकाल सुता एवं रेवा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मैकाल सुता एवं रेवा कहा जाता है, विच रिवर इज कॉल्ड एज मैकाल सुता एंड रेवा, राधे राधे नमस्कार, कोई बात नहीं सुप्रिया तिवारी जी, आंसर हो इसका नर्मदा को मैकाल सुता और रेवा के नाम से भी जाना जाता है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे कम है, विच ट्राइब हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे कम है, Which tribe has the lowest population among the all the tribes of Madhya Pradesh? Among the following tribes of Madhya Pradesh, sorry. Answer होगा इसका, answer है इसका बैगात। मध्य प्रदेश की तीन बड़ी जनजातियां जो हैं, वो हैं भील, गोंड और कोल। तो सबसे इन चारों में से यदि देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या आपकी बैगा जनजाति की है। Next question है, मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? When did the president rule imposed for the second time in Madhya Pradesh?
जय महाकाल, नमस्कार। आंसर होगा इसका, आंसर इसका बी 1980। पहला 1977 में, दूसरा 1980 में, तीसरा 1992 में। तीन बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अधिक गर्मी, न अधिक ठंड, न अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है? सबसे उपयुक्त रहने वाला स्थान आप सभी के लिए। Which among the following region has the characteristic of neither too hot nor too cold nor too rainfall? Answer is का सम जलवायु का क्षेत्र, equable climate का क्षेत्र, जिसे मालवा प्लेटू है मध्य प्रदेश में। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहिला बांध मध्य किस जिले में बनाया गया है? जोहिला बांध आपको बताना है किस जिले में बनाया गया है। जोहिला डैम हैज बीन मेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? हम रहते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, सम जलवायु के क्षेत्र में काफी लोग रह रहे हैं। आंसर होगा इसका उमरिया जिले में। आंसर होगा इसका उमरिया जिले में, जोहिला नदी पर। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातालकोट का संबंध किस जनजाति से है? पातालकोट इज रिलेटेड विद विच ट्राइब? पातालकोट का संबंध आपको बताना है किस जनजाति से है। ध्यान रखिएगा, ये सेशन डेली होता है 3 PM से, रोजाना आप ज्वाइन करें 3 बजे से। आंसर होगा पातालकोट का संबंध भारिया जनजाति से है। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट है, जहां पर भारिया जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? एलुवियल सॉइल का क्षेत्र। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 5 PM से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर MPPSC प्री का बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट होता है डेली, और वो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे ज्वाइन करेंगे प्रोसेस, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा अभी से 1.5 घंटे बाद। आंसर जो होगा इसका मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से किसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है? ए मंडी दीप, बी इंदौर, सी पीथमपुर या डी पचमढ़ी? बिल्कुल अमित जायसवाल जी, मेरे कोर्सेज आपको प्लस कोर्सेज मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, आप लोग जा करके सर्च करके फॉलो जरूर कर लेंगे। आंसर होगा इसका पीथमपुर, जो कि धार जिले में अवस्थित है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर मालवा के पठार में नहीं है? मालवा के पठारी क्षेत्र में नहीं बसा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड इन द प्लेटू एरिया ऑफ मालवा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? आंसर है इसका जबलपुर, महाकौशल का बेल्ट है ये, जबलपुर। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का कुल कितना हिस्सा है? अनुसूचित जाति और जनजाति का, व्हाट इज द टोटल परसेंट ऑफ SC एंड ST इन द ओवरऑल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? आंसर है इसका सी 36.7, दैट मींस ST की 21.1% और SC की 15.6%, ये आपका हो गया 36.7%। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के भूस्वामी आपको बताना है, गॉड ऑफ लैंड ऑफ बैगा ट्राइब। बैगा जनजाति के भू स्वामी, आंसर है इसका, देखिए कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में होना स्वाभाविक है, भू स्वामी पूछा गया है, तो भू स्वामी आपके ठाकुर देव होंगे, लेकिन यदि प्रमुख देवता पूछा जाए, प्रमुख देवता, तो प्रमुख देवता आपके होंगे कौन से? बूढ़ा देव। ठीक है, आंसर इसका होगा ए, भू स्वामी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी रिफाइनरी बीना में अवस्थित है? Which refinery is situated in Bina? Bina में कौन सी रिफाइनरी अवस्थित है? 2011 में स्थापित बीना सागर जिले में। आंसर होगा इसका डी, भारत ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त हुए हैं? डायमंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीप क्रिएटेड बाय विच रिवर इन पन्ना? आंसर होगा भागेन नदी। बिल्कुल सही है, आंसर है इसका ए, भागेन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा क्या है? पिथौरा बताना है आपको क्या है। आंसर होगा इसका भित्ति चित्र। बिल्कुल सही, वॉल पेंटिंग है ये, भील जनजाति से संबंधित। आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्या का संबंध किस जनजाति से है? फाल्या इज रिलेटेड विद विच ट्राइब? फाल्या का संबंध किस जनजाति से है? आंसर होगा इसका भील जनजाति से। फाल्या का संबंध भील जनजाति से है। भील जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ सतपुड़ा मैकाल रेंज? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र। आंसर होगा इसका सी, महाराष्ट्र राज्य जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। आंसर होगा इसका सी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही, और ये 3 PM से डेली सेशन रहता है, डेली आप लोग ज्वाइन करें। जब तक आप ज्वाइन करें, जब तक कि आपको पूरा याद ना हो जाए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें डेली 3 PM से। 11 AM से संपूर्ण जीके सभी परीक्षाओं के लिए MCQ का सेशन होता है इसी YouTube के चैनल पर। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी फ्री क्लासेस, यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन की तो जरूर ज्वाइन करें। आज ही अभी 1.5 घंटे बाद लाइव आऊंगा मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर बहुत सारे गलत हो गए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबके सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे से लाइव क्लास बिल्कुल मेरी अटेंड कीजिए आप सभी लोग। MPPSC प्री का फुल सिलेबस टेस्ट है, और आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है ये क्लास, तो जरूर ज्वाइन करेंगे। अभी 1.5 घंटे बाद हम मिलेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। यदि आपको पता नहीं है कि कैसे ज्वाइन करेंगे तो मैं प्रोसेस भी बता देता हूं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी बिल्कुल मेरी फ्री देख सकते हैं। ये क्लासेस हो चुकी हैं तो आप इनको फ्री देख सकते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं, थ्योरी क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश का मेरी प्रोफाइल पर आपको मिल जाएंगे, और मध्य प्रदेश का इतिहास पूर्व मध्यकाल तक कंप्लीट हो चुका है, और मध्यकाल हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 अप्रैल से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फ्री क्लासेस ज्वाइन करना नहीं भूलें। ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपके मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जहां से दूसरी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, और गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सर्च करें और आप उसको इंस्टॉल कर लें, जैसे दूसरी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पर, तो उसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर। और इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से फ्री रजिस्ट्रेशन कर लें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से फ्री रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आपको गोल सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। गोल, तो गोल आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट PSC के सेक्शन में जाकर के, MPPSC एंड व्यापम। आप यदि मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो MPPSC का हो या व्यापम का, या MPSI, MP कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, आप गोल सेलेक्ट करेंगे MPPSC एंड व्यापम एक साथ। इसके बाद अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ही एक सर्च बॉक्स दिखेगा, वहां पर सर्च करें नीरज पांडे।
मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, आप फॉलो कर लें और शाम को 5 बजे ये क्लास मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट जरूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड क्लासेस थ्योरी क्लासेस भी मेरी प्रोफाइल पर आप जाकर के मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और ज्वाइन करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपसे कोड मांगा जाएगा, तो कोड आप टाइप करेंगे PANDEY, कोड याद रखिएगा PANDEY, ये टाइप करेंगे तभी प्री क्लास अनलॉक होगी, ओपन होगी। इसके साथ साथ जो प्लस के सब्सक्राइबर हैं वो प्लस के कोर्स भी मेरी प्रोफाइल पर जाकर के देख सकते हैं। और इससे इसके अलावा और साथ ही साथ अप्रैल मंथ में जितने भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं आप एक बेहतर दिशा में तैयारी कर सकते हैं, संपूर्ण तैयारी अनअकैडमी के प्लस के साथ, कंप्लीट बैच एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मध्य प्रदेश में होने वाले सभी पर्टिकुलर बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में वो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लें। ये कोड याद रखिएगा, ये कोड आप इससे कोड का यूज करके प्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 12 मंथ्स के लिए आपको मात्र 7,920 रुपए आपको पे करना होगा और 24 मंथ्स का यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 11,520 रुपए मात्र, और आप एक बेहतर दिशा में आप तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके कम ड्यूरेशन का भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ का, 3 मंथ का या 6 मंथ का, लेकिन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बहुत ही किफायती है और बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं 5 PM पर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल फ्री क्लास, तो जरूर आइएगा, आप सभी मोस्ट वेलकम रहेंगे 5 PM पर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल है, ध्यान रखिएगा, नीरज पांडे के नाम से, तो अभी जाइए फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ पांडे कोड का इस्तेमाल करके क्लास को ओपन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। शाम को 5 बजे से जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद, थैंक यू।